दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको हमारे किसका फ्राइडे के एपिसोड में बताया था कि इस शुक्रवार को 5 फिल्में रिलीज हो रही है, 3 बॉलीवुड की, 2 हॉलीवुड की, और 3 बॉलीवुड की फिल्मों में से एक फिल्म थी पर से प्यार फर से फरार। तो कल ये फिल्म मैंने देखी शुक्रवार को, अभी घोस्ट देखना मेरा बाकी है। कल मैंने 4 फिल्में देखी थी, घोस्ट आज मैं देखूंगा और जितना जल्दी हो सके रिव्यू करने की कोशिश करूंगा। तो पर से प्यार फर से फरार, इस फिल्म में हमें जिमी शेरगिल, कुमुद मिश्रा, गिरीश कुलकर्णी ऐसे कुछ अच्छे अच्छे कलाकार देखने को मिलते हैं। और मतलब पता नहीं उन्होंने ये फिल्म क्यों बनाई, क्योंकि ऐसी जिस थीम पर ये फिल्म आधारित है ऐसी कई सारी फिल्में ऑलरेडी बनी हुई है। इस फिल्म में मतलब ऐसा क्या नया उन्होंने दिखा दिया पता नहीं। मतलब देखिए, एक सिंह साहब करके कोई एक परिवार है, हिंदू परिवार है, उनकी जो बाहुबली टाइप एक नेता उनको दिखाया है, विधायक है शायद वो, उनकी अपनी एक जो सिंह जो उनकी कम्युनिटी है, समाज है, उसको लेकर वो बहुत ऑब्सेस्ड है। उनकी जो पूरा संगठन है उनकी कम्युनिटी का, समाज का, जाति का, जो भी कहिए आप, वो पिछड़े वर्ग के ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। तमंचे, गन्स, तलवारें वगैरह हमेशा वो साथ में ही लेकर घूमते हैं, ऐसे सड़कों पर तलवारें वगैरह लहराते रहते हैं हमेशा। और जब वो पिछड़े वर्ग या जो मुस्लिम समाज है उनको मारते हैं या पकड़ पकड़ कर डायरेक्ट भट्टी में डालकर जिंदा जला देते हैं, और ये सब करके वो उसके वो वीडियोस भी बनाते हैं, सोशल मीडिया पर डालते भी है, फिर भी उनको कोई कुछ नहीं करता। मतलब आश्चर्य है ना, देखिए। मतलब हमारे देश में कोई एक घटना भी हो जाती है तो हमारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ वगैरह जो सैकड़ों सैकड़ों घटनाओं पर चुप रहते हैं क्योंकि वो खबरें उनके एजेंडा को सूट नहीं करती, लेकिन उनके एजेंडा को कोई एक खबर भी आ जाती है तो वो महीनों महीनों तक डिबेट्स वगैरह करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, डायरेक्ट चिट्ठियाँ वगैरह लिखते हैं साइन करके। लेकिन यहाँ पर ये विधायक साहब कुमुद मिश्रा, उन्होंने ये रोल प्ले किया है, वो ऐसे तलवारें लेकर रस्तों पर घूमते हैं, तमंचे लेकर, और बस इधर इसको काट दिया, उसको काट दिया, उसका घर जला दिया, इसको उठाकर भट्टी में फेंक दिया, वीडियोस डाल रहे हैं, पर वाह कोई कुछ हो ही नहीं रहा उनको। वो फिल्म की शुरुआत में उनका स्वभाव, वो क्या करते हैं दिखाने के लिए बताया है कि लव जिहाद के वो बहुत खिलाफ है, पर शायद इस फिल्म के मेकर्स पता नहीं किस बात को लव जिहाद कह रहे थे। एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से प्यार करता है और ये विधायक साहब उन दोनों को ही मार डालते हैं। उस मुस्लिम लड़के को तो डायरेक्ट भट्टी में फेंक देते हैं, ईंट की भट्टी में जलती हुई, और उस लड़की को भी जो उनके समाज की होती है, तो उनका कहना होता है कि भाई हमें केवल गैरों को ही सबक नहीं सिखाना, अपनों को भी सिखाना है, तो ये कहकर वो उस लड़की को भी मार देते हैं। अब एक देखिए, ऐसे जो समाज में इस प्रकार की हिंसा करते हैं, ऐसे कोई भी लोग हो, कोई भी हो हिंसा करने वाला, ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा होनी ही चाहिए। पर जिस प्रकार से इस फिल्म में ये सारी बातें दिखाई है, ऐसा लगता है जैसे डेस्परेट थे वो किसी को विलन दिखाने के लिए, जैसे इस फिल्म के मेकर्स डेस्परेटली मतलब जबरदस्ती वो किसी को विलन दिखा रहे हैं ऐसे लग रहा था। और जितनी भी वो उनकी वो कम्युनिटी दिखाई है, समाज दिखाया है, उसके सभी के सभी जो भी उस संगठन के लोग थे, सभी के सभी इतने ज़्यादा क्रूर, केवल उस संगठन के ही लोग नहीं, उनके परिवार के भी लोग, सभी के सभी मतलब इस प्रकार से उनको क्रूर, इतना घिनौना विभत्स उनको दिखाया है। कुछ तो एक वन डायमेंशनल कैरेक्टर्स, कुछ ग्रे शेड्स नहीं उनमें। एक जिमी शेरगिल का कैरेक्टर जो हमें थोड़ा बहुत लगता है कि यार चलो इसमें कुछ ग्रे शेड्स है, इसमें कुछ इंसानियत हमें थोड़ी बहुत नजर आ रही है, जो कुमुद मिश्रा का ही, उनके कैरेक्टर का ही छोटा भाई है, वो पात्र तो सबसे ज्यादा क्रूर और खूंखार निकलता है फिल्म के आखिर में। एक सिंगल कैरेक्टर में भी कोई इंसानियत की भावना ही नहीं, जैसे उनकी जो कम्युनिटी थी, समाज था, उसमें बस वो अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहे हैं। और जो लव जिहाद उन्होंने दिखाया है, मेरे ख्याल से इसे लव जिहाद नहीं कहते जितना मैंने पढ़ा है। अगर कोई लड़का ईमानदारी से अपनी आइडेंटिटी को छुपाए बगैर किसी दूसरे से प्यार करता है तो मुझे लगता है इसका कोई विरोध करता होगा। जो कुछ ऐसी घटनाएं आई है, उन घटनाओं में ये सामने आया है कि जो लड़का है वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाता है, अपने नाम को छुपाता है, अपना नाम हिंदू बताता है, और धोखे से प्यार करके वो धोखे से शादी करता है, झूठा प्यार दिखाकर, और शादी के बाद फिर कन्वर्जन के लिए फोर्स किया जाता है, उसे लव जिहाद कहा जाता है। ऐसी घटनाएं हमने देखी है कई सारी पिछले कुछ समय में, ऐसी कई सारी घटनाएं सामने भी आई है। तो देखिए, अब झूठे प्यार को तो कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर कोई अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, झूठा नाम बताता है, झूठा प्यार करता है, कन्वर्जन के लिए फोर्स करता है, तो इसका तो सभी विरोध करेंगे ना। मुझे लगता है कि ऐसी बातों को कोई सपोर्ट कर सकता है।
तो ऐसी बातों का विरोध मैंने देखा है, पर जिस प्रकार से इस फिल्म में दिखाया है वो मुझे पता नहीं, वो जो मैंने कहा ना डिस्परेट लगती है ये फिल्म किसी को विलन दिखाने के लिए। चलिए मतलब यही फिर फिल्म का विषय है। अब ये जो कुमुद मिश्रा का कैरेक्टर है वो ऐसे जो युवा होते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनके प्यार के वो दुश्मन हैं, वो बस मारते रहते हैं ऐसे लोगों को, युवाओं को। और फिर उनके ही घर की बेटी एक दिन एक युवा के साथ में भाग जाती है जो जमुना पार रहता है, मतलब पिछड़े वर्ग का है ऐसा फिल्म में बताया है। और फिर ये उनकी पूरी कम्युनिटी कैसे उन दोनों के पीछे पड़ी रहती है पूरी फिल्म में, वो कैसे भागते रहते हैं, यही सब पूरी फिल्म में दिखाया है। और मैं खुद भी जात पात का विरोध करता हूँ, जो भी ऐसी छोटी मानसिकता रखते हैं जात पात की मैं उसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ, इसे तो समूलतः नष्ट कर देना चाहिए। पर ये फिल्म ये पता नहीं किसी बी ग्रेड फिल्म की तरह लग रही थी। क्या डायलॉग्स थे, कुछ भी बोले जा रहे हैं। और जो वो दो लड़के, एक कुमुद मिश्रा के पात्र की बेटी और जो लड़का है, वो दोनों जो प्यार करते हैं, उनको एक बंजारों की बस्ती में उनके ही कोई रिश्तेदार लेके जाते हैं, जो कैरेक्टर गिरीश कुलकर्णी ने प्ले किया है। और उस बंजारों की बस्ती में ये हमें बताया है कि वहाँ पर जो लड़कियाँ हैं उनके पिता और भाई खुद ही उनको बेच देते हैं और खुद ही उनको वैश्या व्यवसाय में धकेल देते हैं। और चलो कोई एक गलत व्यक्ति हो, वो गलत व्यक्ति दिखाना अलग बात है, लेकिन फिल्म में बताया है कि वो जो बंजारों का डेरा वगैरह जो भी दिखाया है, उनका एक कल्चर है, उनकी संस्कृति है, उनका ये रिवाज है कि बाप और भाई अपनी बेटियों को वैश्या बना देते हैं, बेच देते हैं। ऐसा किस समाज का कल्चर होता है भाई, ऐसा किस समाज की संस्कृति और रिवाज होते हैं? मुझे कम से कम ये प्रैक्टिकल नहीं लगा। जो भी हो, शायद मेरा ज्ञान कम होगा। कुल मिलाकर जिमी शेरगिल, कुमुद मिश्रा, गिरीश कुलकर्णी, इतने अच्छे अच्छे कलाकार ऐसी फिल्मों में कैसे काम करते हैं मुझे पता नहीं। कम से कम उनको कुछ सेंसिबल वे में तो फिल्म बनानी चाहिए थी। और एक फिल्म मेकर को जब वो समाज की तस्वीर दिखाते हैं तो वन साइडेड तस्वीर दिखाने की अपेक्षा समाज को सही रूप में उनको फिल्म में प्रेजेंट करना चाहिए, चित्रित करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं पर से प्यार फर से फरार को दूंगा 2/10 स्टार्स। जय श्री राम, वंदे मातरम।